this cream apply two times also. This only morning time. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को एक हजूम, एक फुल रौनक से नज़र आ रही होगी जो कि अब तो देखने को नहीं मिलती फ़िलहाल, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है. आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे कि ये एकदम इतना हजूम कहाँ से आ गया. तो मैं बता देती हूँ, ये वीडियो है लॉकडाउन से पहले की, जब किसी तरह के कोई भी रूल नहीं आया था. तो ये सब गहमा गहमी जबकि है, जब हम एक मॉल में गए थे शॉपिंग करने के लिए. वहाँ पे एक फेस्टिवल था जो कि फूड फेस्टिवल था, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर, क्विज प्रोग्राम और डिशेस बना के रखी हुई थी ढेर सारी, जो कि लोगों को अटेंशन का बाइस बन रही थी. हमने भी वहाँ जाके देखा तो एक फेस्टिवल था और यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं था. तो सोचा आज आप लोगों के साथ ये क्लिप्स शेयर कर दूँ. और दूसरा, मेरे बालों और स्किन का थोड़ा सा मसला था, उसके लिए मैं डॉक्टर पे गई थी. वो भी आगे आपको दिखाऊंगी कि मुझे डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया. More questions. Now the chef is checking right now. The cookies. Oh, we didn't make it one. It's in English. Why? By the cookie of fire the focus. Please everyone raise your hand. The cookie of fire the fire the good one. Yeah, magic. Uh-huh. Magic. We have come I think the bar of the market and then a blue. كم صار؟ الشيء الجديد يجي كم صار؟ جبل وعصاير وعدان وزيت وزبدة وسمنة وكريم. كم item؟ How many items? How many different items does Maddox? मेरा यहाँ पे डर्माटोलॉजिस्ट के पास आने की दो रीज़न्स थी. एक तो ये मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल था. मेरे जब हंसला के पैदा होने के बाद तो बहुत ज़्यादा मुझे हेयर फॉल हो गया. इवन पूरे रूम में मेरे हर जगह बाल ही बाल नज़र आ रहे होते, तो मैं इस कदर वरी हो चुकी थी. और दूसरा, स्किन पे हल्का फुल्की सी पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन तो नहीं, थोड़ी सी डिस्कलरेशन समटाइम हो जाती है. तो उसके लिए कोई मॉइस्चराइज़र या सनब्लॉक वगैरह डॉक्टर से पूछा, जो कि उन्होंने गाइड किया. बस इसी सिलसिले में मैं यहाँ आई थी. तो डॉक्टर ने मुझे क्या सजेस्ट की, शी सेड अगर तो आपको ट्रीटमेंट चाहिए लेज़र के ज़रिए तो आप इतनी फ़ीस पे करो. वो तो 50,000 समथिंग बता रही थी एक ट्रीटमेंट उसका. बट वरना दूसरा सोल्यूशन है क्रीम का. मुझे इतना ज़्यादा मसला नहीं था तो मैंने कहा यार आप मुझे क्रीम ही लिखते हैं प्लीज़, मेरे को लेने फालतू पैसे नहीं है. तो एक ये क्रीम लिख के दी है. ये कोई सोदिया का ही ब्रांड है, लिवियान. शायद एक मुझे नाइट क्रीम दी है और दूसरा ये मुझे सनब्लॉक दिया है, क्योंकि उसने बोला था डॉक्टर ने अगर आप ये नाइट क्रीम यूज़ करेंगी तो आपकी जो स्किन है वो ड्राई इससे स्टार्ट होगी, थोड़ी सी पीलो करेगी. तो आपने ये सनब्लॉक एज अ मॉइस्चराइज़र भी है वो यूज़ करना है. देन ये एक मुझे मल्टी वाइटमिन्स कि कुछ टेबलेट्स दी और कुछ ये विटामिन डी की, जो कि बहुत ज़रूरी है सोदिया में. यहाँ पे तो डॉक्टर जाते ही सबसे पहले मल्टी विटामिन की जो टेबलेट्स हैं वो हाथ में दे देते हैं, जाओ पहले ये खाओ कमी हो जाती है. तो एक ये सप्लीमेंट्स थे जो कि ये मुझे बोला था उसने कि आपने दो टाइम कहने हैं, सुबह और शाम. और जो विटामिन डी की टेबलेट्स हैं वो वीक में वन टाइम लेनी है. ये तो था जी स्किन का काम कि इसको खाओ उसके बाद आना. और स्किन के अलावा ये जो टेबलेट्स हैं ये मुझे हेयर फॉल के लिए दी हैं, क्योंकि डॉक्टर अक्सर ये कहते हैं कि जब आपकी एक एज जो है वो 20 से अबव जाती है, 25 से सॉरी अबव जाती है, तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं. तो अपनी जो केयर है वो आपको डबल करनी पड़ती है. देन जो मेन मसला था हेयर फॉल का, उसके लिए ये एक मुझे उन्होंने क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये एक मुझे स्प्रे दिया है, जो कि वो बोल रही थी कि हम लोग मोस्टली मर्दों को
सजेस्ट करते हैं, बट आप ही इसको यूज़ कर सकती हैं और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसको ट्राई कीजिएगा, 2 माह बाद आपने आना है इसको यूज़ करके। अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, अल्लाह करे ये मेरा मसला हल हो जाए, क्योंकि मैं होम रेमेडीज़ और इधर उधर की बला वाला चीज़ें करके मैं तंग आ चुकी हूँ, जो कि जैसा लगता है मैं दूसरा जो बच्चा है अपना वो मैं गंजी होकर पैदा करूंगी कदर मेरे बाल। सो जी, आज की वीडियो में बस इतना ही था। इसके जो रिजल्ट हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मज़ीद अगर आप लोगों के पास भी कोई राय हो या कोई ऐसा टोटका शोटका हो जिनके बाल इतने उतरते हों और बाद में सही हो गए हों, तो मेहरबानी जनाब मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।